शाहजहांपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार खंभे से टकरा गई। इस भीषण सड़क हादसे में दो भाइयों समेत तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। सभी मृतक गोंडा के बालापार के रहने वाले हैं। इस भीषण हादसे के बाद मृतकों के घर में कोहराम मचा हुआ है। घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। ये घटना थाना चौक कोतवाली के नेशनल हाईवे की है, जहां पर नवनिर्मित पुल के पास तेज रफ्तार से आ रही कार खंभे से टकरा गई। बताया जा रहा कि हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। सभी कार सवार श्रद्धालु गोंडा से केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। फिलहाल इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये भी एक एक्सीडेंट हुआ है गर्रा पुल के पास, रात की घटना है। उसमें तीन लोगों की मौत हो चुकी, दो लोग घायल हैं। उनका एक ट्रीटमेंट चल रहा है, परिवारजनों को सूचना हो गई। हमारे पास थाना कोतवाली क्षेत्र से 5 एक्सीडेंटल आए थे, जिसमें से 3 ऑन ब्लॉटेड आए थे। एक हालत गंभीर होने की वजह से इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। एक को रिफर किया गया है मेट्रो कॉलेज लखनऊ के लिए। संवाद 365 के लिए शाहजहांपुर से रमाशंकर दीक्षित की रिपोर्ट।